अरे कितना समझाया था कि मुंह फाड़ फाड़ के रिश्तों से इनकार मत करो, ना शुक्री होती है। अपना किया आकर पलट कर सामने आ जाता है और आ गया। हमेशा तुम रिश्तों से इनकार करती थी ना, आज लड़के ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। दानिश तुमसे नहीं आयजा से शादी करना चाहता है। अरे कुछ तो शर्म कर लेती, तेरी बहनें हैं उनका तो ख्याल कर लेती, अपने बूढ़े बाप का तो लिहाज करती। इस उम्र में क्या दाग लगाएगी तू अपने बाप के दामन पे? चुप करके खड़ा रही यहाँ पे, बता मुझे कौन है, कहाँ से आया है तू? जब तक बताएगा नहीं मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। लुडी है जमालो पाओ, लुडी है जमालो लुडी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ की तैयारी है भाई? हाँ दिखाई नहीं दे रहा पप्पो, कॉलेज जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे यूनिफॉर्म में? मुझे तो सब दिखाई दे रहा है, लेकिन लगता है तुम लोगों को दिखाई नहीं दिया जो घर में तमाशा हुआ है। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, चलो चुपचाप घर में बैठो। ये जो मैडम है इसने पढ़ के जो कारनामा अंजाम दिया है, तुम लोग इसी के नक्शे कदम पे चल रहे हो? हाँ कहा ना अंदर जाओ, पप्पो की बच्ची चल अंदर, पढ़ाइयां करेगी, शक्लें इनकी। सुबह सुबह मेरा मूड बर्बाद कर दिया। सास, प्लीज। इसने मेरे भाई की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है और अब तो सिर्फ उसको जमीन में दफन करना बाकी रह गया है। बिटिया बिटिया कह के जिसकी जबान नहीं थकती, उसकी पेट में खंजर भोंपा है तुमने। जिस रास्ते पर चलने का हौसला नहीं था उस पर चलने की हामी क्यों भरी तुमने? अबू का एतमाद वापस लाने का यही एक तरीका था मेरे पास। अबू का गुस्सा कुछ दिनों में ठंडा हो जाता, उसके लिए तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दाव पर लगाने की जरूरत नहीं थी। बात उनके गुस्से की नहीं है फिजा, बात उनके एतबार की है, उनके एतमाद की है जो मेरी वजह से कमजोर पड़ गई। और तुम्हारी खुशी? मेरी कोई खुशी मैटर नहीं करती अब फिजा, मुझे सिर्फ अबू का एतमाद वापस आया। यही तो कीमती खजाना है हम दोनों के पास, अबू की बेपनाह मोहब्बत, की सपोर्ट, उनका एतमाद। और अगर एक दफा उनका यह एतमाद टूट गया तो मेरे साथ साथ तुम सबकी जिंदगी मुश्किल बन जाए, और ये मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूँगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी खुशियों का गला क्यों ना खोलना। अपनी खुशियों का गला घोटने की जरूरत नहीं है, ये काम करना। शादी के बाद ना उस दानिश का ही गला घोट गया, मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा। कम की ना बिल्कुल गला दबा, कर सकते है ना? गुड आइडिया ना, चेहरा गया। जी मैं अकरम नवाज बोल रहा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसे हैं अकरम साहब? खैरियत से हैं ये अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं शहर से कहीं बाहर गया हुआ था इसीलिए आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सका। बस वो मैंने सोचा कि वापस जाके फिर इत्मीनान से बात करूंगा आपसे। जी तो क्या सोचा आपने दानिश और आयजा की शादी के बारे में?
जी अकरम साहब, मुझे ये रिश्ता कबूल है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आप यकीन करें, मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। जहां रहा बेगम, लई खैम साहब ने आयजा के रिश्ते के लिए यहां कर दी। अच्छा, ये तो होना ही था। आप तो खामखा में दानिश पे नाराज हो रहे थे। मैं तो ये सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि ना ही कर दें। काफी दिन लगा दिए उन्होंने हाँ करने में। ये तो पॉसिबल ही नहीं था। वैसे भी डिले तो उन्होंने जानबूझकर किया है, वरना एक मिडिल क्लास बाप 5 बेटियों का ऐसे रिश्ते से इनकार कर ही नहीं सकता। अच्छा खैर, चलो अब ऐसा करते हैं, एक आध दिन में उनके यहाँ जाके डेट वगैरह जो है ना वो कन्फर्म कर लेते हैं, ठीक है? जी। तुम यूनिवर्सिटी आओ, तुमने बताया भी नहीं। तुम्हें अंदाजा भी, मैं कितना परेशान था तुम्हारे लिए। मुझे पता है उस रात जो हुआ उसकी वजह से तुम बहुत अपसेट हो। आई एम वेरी सॉरी यार। ऐसे मेरी बात सुनो ना प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे देर हो रही है, हटो मेरे रास्ते से। आयजा प्लीज यार, आयजा मेरी बात तो सुनो ना यार। आई एम सॉरी, I'm sorry. तुम्हारे sorry से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे और मेरे रास्ते अब अलग अलग। What? तुम क्या कह रही हो यार? ऐसे छोटी सी गलती की वजह से तुम क्या कह रही हो? छोटी सी गलती? तुम्हारी इस छोटी सी गलती में मुझे मेरे अब्बू की नजरों में हमेशा के लिए गिरा दिया सर। मेरे साथ साथ मेरी बहनों का किरदार भी हमेशा के लिए उनकी आंखों में तुमने मशकूक बना दिया। तुम्हारी इस हरकत से हर उस बात पे तस्दीक की मोहर लगा दी है जो मेरी दादी और बहुत सालों से हमारे खिलाफ कर रही थी, और तुम इसको छोटी सी गलती कहते हो? ऐसा कम ऑन यार, प्लीज यार, तो मैं कह तो रहा हूँ ना यार, ऐसा आई एम सॉरी यार, प्लीज आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मेरी जिंदगी और मुश्किल मत बनाओ सर, खुदा का वास्ता मेरा पीछा छोड़ दो। मेरा रिश्ता तय हो गया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो? मैं अपने अब्बू का एतमाद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, समझे तुम? और मेरी मोहब्बत, उसका क्या? मर गई वो मोहब्बत, उसकी मोहब्बत भी तुम्हारी वजह से। क्या है ये बाजी आप? मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएंगी। हानिया, ये बड़ों के मामलात हैं, तुम बीच में मत बोलो। क्यों? क्यों ना बोलूं? ये इतनी छोटी सी बात पे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है और आप कह रही है मैं कुछ ना कहूं? वाह, सॉरी बाजी, इतनी सब्र आपके अंदर है, मेरे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है। कोई अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर रहा हानिया, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के अपनी खुशी से लिया है। हाँ हाँ, शक्ल देखे अपनी, साफ पता चल रहा है कि आपने ये फैसला अब्बू की वजह से किया है, दिल से खुश नहीं है आप। लेकिन मेरी एक बात याद रखेगा बाजी, जो फैसले दूसरों की खातिर किए जाते हैं ना, वो इंसान को खुशी नहीं सिर्फ पछतावा देते हैं। अरे तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, पता है ना मीशा से पागल है, सोचे समझे बगैर बोल देती है।
चंदा मेरा एक है चकोरी है सपनों की जो है परी तेरी सहेली के दो नैन तेरे दो नैनों में तारे है चेहरे पे नूर बसा बसे रंग सारे घर का आंगन मेरा खुशियों से भरा है खिलती गाती हुई देखो फिजा है तुझको सुनाना ठंडी हवाओं से छूकर तेरा गले से लगाना मेरे कांधों पे तेरा सर रख के तुझको सुनाना ठंडी हवाओं से छूकर तेरा गले से लगाना जा सलामत रहो ये मेरी दुआ है सारे आलम की खुशियाँ खुदा दे क्यों आए हो तुम यहाँ पे? अंकल देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ आपको सुनिए ऐसा को मुझसे मत छीनिए प्लीज मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा क्या बकवास कर रहे हो तुम होश में हो ऐसा कौन है अंकल प्लीज प्लीज देखिए ठंडे दिमाग से जरा मेरी बात को सुनिए प्लीज ऐसा इस रिश्ते के साथ कभी नहीं खुश रह पाएगी कभी भी नहीं वो बर्बाद हो जाएगी ऐसा मत करें मुझे तुम्हारे किसी मशवरे की जरूरत नहीं है अपनी बेटी के मुस्तकबिल का फैसला मैं तुमसे बेहतर कर सकता हूँ तुम इसको यहाँ से चले जाओ नहीं देखिए प्लीज 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 मेरी प्लीज सुन ले मेरी बात को प्लीज अब मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे ऐसा बोलो
ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो आपके खातिर ये कर रही है। आप तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं ना आप। प्लीज उसके साथ ये सुन ना करें, रहम करें उस पे। प्लीज खराब हो गया तुम्हारा, क्या करें फरमाइए। मैं खा खा पाई कर रही हूँ, छोड़ो उसे, इसे खामोशी से बाहर छोड़ दिया। निकलो यहाँ से, समझ में नहीं आ रही तुम्हारे बात। इज्जत से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा मैं। और मैं सबके सामने सबको बता दूंगा मैं और आयशा एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर मैं देखता हूँ ये रिश्ता कैसे नहीं खत्म होता है। अपनी आवाज ऊंची बात करना समझे। तो इसलिए आए हो तुम यहाँ मेरी इज्जत का तमाशा बनाने, मुझे बदनाम करने, ये था तुम्हारा मकसद? नहीं 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 आयशा, ये लोग समझ नहीं रहे, तुम तो समझो ना। खबरदार आगे मत आना। जब एक बार बता चुकी हूँ कि अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, अपनी खुशी से कर रही हूँ, फिर क्या लेने आए हो तुम यहाँ? नहीं नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, जाओ यहाँ से। खुदा का वास्ता मेरी इज्जत का और तमाशा मत बनाओ, निकलो। सुन लिया, दफा हो यहाँ से। नीचे अगर कोई तमाशा किया तो अच्छा नहीं होगा। चलो चलो चलो। चलो चलो चलो। ये यहाँ क्या कर रहा था? ये तो वही लड़का है। अम्मा कहाँ है? अम्मा? एक मिनट यार। आप बैठे। कुछ पता भी है क्या हो रहा है घर के अंदर? क्या हो रहा है? अरे वो लड़का यहाँ फिर पहुंच गया। कौन सा लड़का? अरे अम्मा, जिसे आयशा ने साथ बुलाया था। अम्मा, वो क्यों आया है? इस आयशा ने बुलाया होगा, और क्यों आया यहाँ पर वो? इस लड़की को तो कोई अल्लाह हिदायत दे। इसने क्या सोचा है आखिर? बाप की इज्जत का जनाजा निकलवाएगी? इतना कुछ करने के बाद भी इसका दिल नहीं भरा है, और ऊपर से अगर इसके ससुराल वालों को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। कयामत। वो है कहाँ? मैं देख कर आता हूँ। क्या कर रही हो अम्मा? जा चुका है वो। कहाँ चला गया? आया क्यों था? जाहिर है अम्मा, मंगनी में ढोल पीटने तो आया नहीं होगा, कोई ना कोई तमाशा खड़ा करने ही आया होगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, इतनी खामोशी से चला कैसे गया? अरे भाड़ में डालो, जैसे भी गया, शुक्र है कि गया, वरना इस लड़की ने तो हम लोगों की इज्जत का जनाजा निकलवाना ही निकलवाना था। इज्जत तो हमारी तब तक दांव पे लगी रहेगी अम्मा, जब तक इस लड़की को इस घर से रुखसत नहीं करेंगे। इस उम्र के इश्क एक जज्बाती तूफान की तरह होते हैं, और तूफान तबाही फैलाए बगैर नहीं जाता अम्मा। बस कर, चल मेहमान बैठे। चल। थैंक यू। सॉरी मैम, मैं साफ करके।
शुक्र है सब कुछ खैर खैरियत से हो गया, वरना मुझे तो यही डर था कि तुम्हारे साहबजादे कहीं कोई और ही शोशा ना छोड़ दें। वैसे भी उसका कोई भरोसा तो है नहीं, पता नहीं किस वक्त क्या कह दे। अपनी औलाद की खामियां गिनवाने की बजाय अगर आप दूसरों की औलाद पे कभी गौर कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूं कि आयजा मुझे इस रिश्ते से खुश नहीं लगती। आपने देखा नहीं पूरे इवेंट में कितनी ऑफ नजर आ रही थी वो, और कोई खुशी मैंने उसके चेहरे पर नहीं देखी। मुझे तो लगता है कि इसके बाप ने इसे इस रिश्ते के लिए फोर्स किया है, जैसे होता है मिडिल क्लास फैमिलीज में अक्सर शादियों के लिए माँ बाप अपने बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं। लईक अहमद एक मिडिल क्लास से ताल्लुक जरूर रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रही हो। वो अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता है, उनकी हर बात मानता है, और अगर उनकी बेटी राजी ना होती तो उसने हमें साफ मना कर देना। आप कुछ भी कहिए लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है तुम्हारा वहम है। अकरम साहब अगर ये वहम भी है ना तो इस वहम को दूर करना बहुत जरूरी है। अच्छा आप खुदा के वास्ते वहां जाके तुम ऐसी वैसी कोई बात ना कर देना। पहले तुम्हारे साहबजादे एक अजीब सी हरकत कर चुके हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आयजा ऐसी हरकत कर सकती है, और उस लड़के की हिम्मत पर मैं हैरान हूं कि इस दीदा दिलेरी से वहां चला आया। आपने मुझे रोक दिया वरना मैं अच्छी तरह बताता उसे। मैं वहां आयजा के ससुराल के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। इज्जत बनाने में सालों लग जाते हैं और जाने में एक लम्हा नहीं लगता। भाई साहब आप मेरी बात माने, शादी की तारीख जल्द अज जल्द तय करते हैं, इस रिश्ते को मजीद तूल देना मुनासिब नहीं। वैसे तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इस रिश्ते से इनकार नहीं किया, वरना आजकल इतने अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। वैसे फारूक ने ना भाई साहब से कह दिया था कि वो आयजा से बात करेंगे, उसे समझाएंगे, वो राजी जो नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है भाई साहब ने साफ इनकार कर दिया था कि वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते। माशाल्लाह तुम लोग बहुत लकी हो, जितने प्यार करने वाले बाप मिले तुम लोगों को। वरना आजकल बाप क्या सोचते कहाँ हैं कि औलाद को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, बस अपना फैसला सुनाना जानते। वैसे आयजा तुमने अचानक हाँ कैसे कर दी, तुमने तो मना कर दिया था। कुछ फैसले करना आसान नहीं होते माँ। तुम सही कह रही हो। जैसे एक बात कहूँ, मुझे तो भाई साहब की तबीयत पर रश्क आ रहा है। इतनी नेक और फरमा बरदार औलाद परवान चढ़ाई है उन्होंने। तुम लोगों ने भी बाप की मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। हमेशा खुश रहो। इसलिए आए हो तुम यहाँ मेरी इज्जत का तमाशा बनाने, मुझे बदनाम करने, ये था तुम्हारा मकसद? जब एक बार बता चुकी हूँ कि अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, अपनी खुशी से कर रही हूँ, फिर क्या लेने आए हो तुम यहाँ? जीतने की आदत जो हो गई है उसे। बाबा मैं सोच रहा था कि आयजा को खाने पे ले जाऊं। आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद हर। लेकिन ये कैसे हो सकता है बेटा? शादी के बाद तुम उसे जहां मर्जी ले जा सकते हो, बट नॉट बिफोर। लेकिन इसमें बुराई क्या बाबा? देखो मुझे लगता है कि उसके वालिद को ये बात पसंद नहीं आएगी। लईक अहमद एक बहुत समझदार आदमी है, उन्हें ये तो शायद मंजूर हो कि तुम उनकी बेटी से घर पे कोई बातचीत कर सको,
लेकिन तुम उसे शादी से पहले कहीं बाहर खाने पे ले जाओ, मुझे नहीं लगता क्या वो राजी होंगे। बाबा आई एम नॉट अ रैंडम गाय, मंगेतर हूँ उसका। आई थिंक मेरा हक बनता है टू स्पेंड सम टाइम विद हिम। अच्छा, ये सारे हक शादी के बाद जताना, राइट? वो फैमिली जरा डिफरेंट किस्म की है। जी बिल्कुल, काफी डिफरेंट लोग हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि वो तो आसमान से उतरे हुए हैं। लेकिन लड़की वालों के हाँ लड़के की यानी दामाद की बहुत इज्जत की जाती है, और मेरा ख्याल में मिडिल क्लास फैमिलीज में तो दामाद को सर आंखों पर बिठाया जाता है। आप लाइक साहब से बात करके देखिए, आई एम श्योर वो इनकार नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मैं उनसे कोई बात नहीं करूँगा। पहले तुम दोनों की वजह से मेरी बड़ी सुबकी हुई है, मेरा ख्याल में ये बात यहीं खत्म कर दो, और ये सारी बातें शादी के बाद के लिए उठा रखो बस। हेलो हेलो, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहा, मैं बाहर आगे बात करता हूँ। ओके माँ, दिस इज नॉट हैपनिंग। नहीं, हर चीज में बाबा को कोई ना कोई मसला नजर आ ही जाता है। कब तक चलेगा ये? I don't know what to say. तुम फिकर मत करो, तुम्हें आयशा के साथ डिनर पे जाना है ना? Yes. I'll deal with it. No worry. Thank you. नाश्ता कर। यहाँ मेरी बात सुनो, तुम में थोड़ी बहुत हया बची है या सब बेच खाई है तुमने? क्या हो गया दादी, अभी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? इस घर में जब तक ये मौजूद है खैरियत हो सकती है? रातों की नींदें उड़ गई हैं हमारी। क्या हो गया दादी, अब इसने क्या कर दिया जो सुबह सुबह इसको इतनी बातें सुना रही हैं आप? अरे ये तो सिर्फ बातें सुना रही है ना, मगर ये तो हमें पूरी दुनिया में बदनाम करने पर तुली हुई है। मेरा बेचारा भाई जो फखर से सर उठा के चलता था, आज किसी से आप मिला के बात तक नहीं कर पाता है, और उसमें भी इसका पेट नहीं भरा। कल फिर उस लड़के को मंगनी पे बुला लिया इसने। मेरी बात सुनो आयशा, तुम चाहती क्या हो और कितना जलील करोगे हमें? मेरे बेटे को तो जिंदा दरगोर कर दिया है तुमने, अब क्या उसे कब्र में उतारना है? दादी मैंने उसको नहीं बुलाया, वो खुद आया रात को। अच्छा, इन्होंने नहीं बुलाया था? अरे बीबी, ऐसे ही कोई किसी के पीछे घर तक नहीं चला आता। तुम ही ने शह दी होगी जब ही वो आया यहाँ पे ख्वार होता तुम्हारे पीछे। बस कर दे फूफो, जब वो कह रही है कि उसने नहीं बुलाया तो उसके पीछे क्यों पड़ गई हैं आप? हमें इस पे एतबार नहीं है, वो लड़कियां ही कोई और होती हैं जिन पे आंखें बंद करके भरोसा किया जाता है, नहीं है एतबार हमें इस पे। लेकिन मुझे है। अपनी बेटी पर मुझे यकीन। सुन लो लाइक मियां, तुम्हारी अकल घास चरने गई है? इतना कुछ सब अपनी आंखों से देखकर फिर भी तुम्हें इस पे एतबार है? क्योंकि ये मेरा खून है, और अपने खून पर किसे एतबार नहीं होता। ठीक है, हो गई उससे गलत, मगर किससे नहीं होती। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि बार बार उस गलती का हवाला देकर उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाए, घर के माहौल को अलग खराब किया जाए। नगमा, आज के बाद इस घर में इस हवाले से कोई बात नहीं होगी, सुन लिया? बस मेरे बच्चे। अच्छा आईना, आप लोग नाश्ता करें। चलो बैठो। अरे हमें भी नाश्ता दे दो, हम भी बैठे हैं यहाँ, सारी प्लेटें उधर ही रख दी हैं। हाँ इनको दे दो, सब वहाँ टेबल पे सजा दिया उठाकर। भाई साहब के ना शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फिजा बेचारी अकेली ही शादी की तैयारियों में लगी हुई है, घर भी देख रही है, बाजार के चक्कर भी लगा रही है। से ये सब कुछ उसकी शादी के लिए होना चाहिए था, बेचारी के नसीब। वैसे एक बात तो मानने वाली, बड़ी ही बाहिम्मत लड़की है, हर चीज ऐसा देख रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, माथे पर शक्ल नहीं लेकर आती। फारूक, फारूक आप किधर गुम हैं? आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी
के टाइम निकाल लें, जूलर के पास जाना है, आयजा के लिए कोई गिफ्ट ले लेते हैं, फिर आप तो हो जाएंगे मसरूफ भाई साहब के साथ और मैं अकेली धक्के खाती रहूंगी। ठीक है तो सही कह रही हो, किसी दिन चलते हैं फिर। कब चलते हैं? कल चलते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं दानिश की मदर बात कर रही हूँ। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मैंने आपसे ये पूछना था कि वो मैं आयजा की शॉपिंग के लिए जाना चाहती हूँ, तो अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं आयजा को अपने साथ ले जाऊँ ताकि वो अपनी पसंद की चीज़ें खरीद ले। कैसी बातें कर रही हैं, क्यों एतराज़ होगा मुझे, आपकी होने वाली बहू है माशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप उसे कहिएगा कि वो 5 बजे तक तैयार रहे, मैं ड्राइवर भेज दूंगी, वो पिक करके उसे यहाँ ले आएगा। जी कह दूंगा, खुदा हाफिज़। अकरम ने भी पता नहीं क्या क्या सोच रखा है इस शख्स के बारे में, वजादार है और पता नहीं क्या क्या है, आम आदमी। क्या देख रही हो? हम यहाँ क्यों आए? कुछ काम था। कहाँ रह गए बेटा? मैंने कहा था ना मुझे कहीं जाना है, जल्दी आओ। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम इस शादी से खुश तो हो ना? आई मीन तुम्हें इस शादी के लिए कोई फोर्स तो नहीं करना? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे सर्कल में लड़के और लड़के की मर्जी को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, जोर जबरदस्ती से रिश्ते नहीं निभाए जाते। मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में नहीं पता, इसलिए पूछ रही हूँ, किसी प्रेशर में आकर तो ये शादी नहीं कर रही हूँ ना? क्योंकि कल को मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए या मेरे बेटे के लिए किसी किस्म की कोई टेंशन, इसलिए तुम्हारी राय जानना बहुत जरूरी है। हाय, बहुत देर लगा दी। How are you? I'm good. Uncle बता रहे थे last semester है तुम्हारा, इसके बाद क्या plan? Job करूंगी। Nice. आजा आजा आजा। अरे यार, अबे तुझे कितनी दफा कहा मुझे भूख नहीं लगी है यार, नहीं खाना मुझे लगी है भाई, तू मत खा, मेरे लिए आजा। दोस्त की खातिर इतना नहीं कर सकता, यहाँ के खाने बड़े फेमस है, तुझे इतना नहीं। अबे आजा आजा। जबरदस्ती आती है यार शदीद। Thank you.
थैंक यू। सॉरी मैम, मैं साफ करके आती हूँ। मुझे लोगों की नहीं परवाह, मैं तो इस वक्त सिर्फ तुम्हारा बदला हुआ चेहरा देख रहा हूँ। क्यों अजियत दे रहे हो तुम खुद को और मुझे? कोई यहाँ नहीं है। अजियत तो सिर्फ मुझे हो रही है, सिर्फ मुझे। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है ना इस वक्त, बहुत एंजॉय कर रही हो ये वक्त। बहुत एंजॉय कर रही हो, तुम जो भी सोचो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा आंसू इस बात के गवाह है कि तुम्हें परवाह है, तुम आज भी परवाह है। तुम्हारे दिल में आज भी मैं हूं, सिर्फ मैं। खत्म कर दो ये रिश्ता, खत्म कर दो। उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगी, कभी भी नहीं। थोड़ी सी हिम्मत करो, फिर रिश्ता खत्म कर दो। मैं बात करूंगा तुम्हारे बाप से, मैं वादा करता हूं सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं उन्हें मना लूंगा। Are you okay? Yeah. Hi. Yeah, you start. Okay. चंदा मेरा एक है चकोरी, है सपनों की जो है परी तेरी सहेली। मीठे दो नैन तेरे, दो नैनों